नमस्कार, मैं उजी और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। मध्य प्रदेश के सागर जिले के मालथौन क्षेत्र में पाली सगोनी रोड पर तेज रफ्तार से ट्रक अनियंत्रित होकर पुलिया में जा गिरा, जिससे ट्रक के ड्राइवर की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि घायल सहयोगी को नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंची और जेसीपी द्वारा ट्रक के नीचे से ट्रक चालक को निकलवाया और उसके सहायक को घायल अवस्था में नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सागर से अनिल वर्मा के साथ सलमान कुरैशी की यह रिपोर्ट। बनी रही है द खबरदार न्यूज के साथ। नमस्कार। क्या घटना है? ये कोई लोहे का माल रायपुर से भर के आ रहे थे, अपने लोकल गांव है सागोनी, वहाँ के रहने वाले थे। तो ये इनका ये बता रहे हैं, जो मौके के साक्षी वगैरह हैं बता रहे हैं कि गाड़ी काफ़ी रफ्तार में आ रही थी, जो पुलिया के नीचे से नीचे उतरने का इनके दोनों के जो बॉडी है उसमें फंस गई थी ट्रक में। जो इसमें एक मेघराज है वो तो बॉडी उसके नीचे ट्रक के नीचे आ गई थी, जिसके कारण उसकी डेथ हो गई है यहाँ पर। और बाकी रामकेश है तो वो घायल अवस्था में था, उसको अभी अस्पताल के लिए मालथौन पहुंचा दिया गया है। सर, कितने बजे घटना है? ये घटना करीब अभी से 3-4 घंटे पहले की है, तो करीब 3 घंटे करीब को हो गए हैं। तो करीब यही एक बजे की घटना है, 12-1 बजे के बीच की घटना है। डेढ़ दो घंटा होगा। अरे वो करा रहे थे यार, एक जने